कस्बा गोवर्धन के गिरिराज बाग के पीछे जंगल में बने आश्रम में तीन साधुओं के साथ जहर खुरानी का मामला प्रकाश में आया, जहां दो साधुओं की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक साधु को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कस्बा गोवर्धन के गिरिराज बाग के पीछे जंगल में बने आश्रम में तीन साधुओं के साथ जहर खुरानी का मामला प्रकाश में आया है, जहां दो साधुओं की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक साधु को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में रेफर किया गया। गोवर्धन के गिरिराज बगीचा के पीछे एक आश्रम में तीन साधु विगत एक साल से भजन साधना कर रहे थे। शनिवार की सुबह करीब 10 बजे आश्रम में दो साधुओं की मौत की सूचना मिली, जिससे गोवर्धन क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार मैं फोर्स के मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने दो मृतक साधु गोपाल दास और श्याम सुंदर दास के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं रामबाबू दास को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। मृतक साधु गोपाल दास के भाई टीकम ने बताया कि साधुओं को जहर देकर हत्या की गई है। आश्रम में जहरीली दवाइयों की बदबू आ रही है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस ने चाय में कुछ विषैला पदार्थ देने की बात कही है कि यहाँ एक आश्रम में तीन साधु रहते थे। आज सुबह किन्हीं कारणों से उनकी तबीयत खराब हुई है। बगल के लोगों ने आकर के उनमें से जब देखा है तो उनमें से दो की डेथ हुई है और एक जो है रामबाबू जी, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। रामबाबू जी से प्रथम दृष्टिया बात करने पर ये बात सामने आई है कि तीनों व्यक्तियों ने सुबह यहाँ पर चाय बनाई थी, जिसके लिए दूध भी यहीं की गाय और बाकी सामग्री भी यहीं अपनी ही इस्तेमाल की थी। उस चाय पीने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद ही उनकी मृत्यु हुई। हमारे और डीएम साहब द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। दोनों बॉडीज का जो पंचनामा भरने के बाद एक पैनल से और वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घटनास्थल का पूरा निरीक्षण फोरेंसिक टीम द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी जरूरी नमूने हैं या बाकी चीज़ें हैं उनके सैंपल्स और सीन ऑफ क्राइम की जो है उसकी वीडियोग्राफी वगैरह सब कराई जाएगी। मृत्यु का कारण इन्हीं दो चीज़ों से पता चलेगा, उसी के बाद मृत्यु के कारण के बारे में जानकारी हो सकती है। साथ ही साथ जो रामबाबू जी हैं जिनका इलाज चल रहा है, उनके भी डॉक्टर साहब से बात हुई है कि उनके संबंध में भी जो पूरी कोई नमूने लेने हैं, बाकी चीज़ें हैं वो ले लें, और साथ में उनका एक डिटेल्ड बयान भी जैसे ही वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे उनसे नोट किया जाएगा। इन सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई है जो वो की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या निकल कर रहा है? देखिए अभी जो अभी तक के जो तथ्य हैं यही है कि सुबह जो चाय उन्होंने यहाँ पर बनाई है उसी के बाद किन्हीं कारणों से तबीयत बिगड़ी है, लेकिन डिटेल जो है वो ये सारे तथ्यों को पोस्टमार्टम में क्या फाइंडिंग्स आती हैं, यहाँ के जो नमूने लिए जाएंगे, यहाँ की जो चीज़ों को संज्ञान उसमें क्या फाइंडिंग्स आती हैं और बाकी जो और लोग हैं उनके बयान लेकर की ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। उसके बाद ही हम आपको जो है इन्फॉर्म करते हैं। साधु कितने दिन से यहाँ पर थे? देखिए जो यहाँ पर बताया गया है आसपास के लोगों द्वारा कि दो लोग राम बाबू जी और एक उनके साथ हो तो यहाँ पर काफी दिनों से रहते थे, बाकी और जो लोग हैं उनका यहाँ पाना बजाना लगा रहता था। अभी क्योंकि राम बाबू जी से बहुत डिटेल में हमारे द्वारा बात की जाएगी, उनके द्वारा पूरी और जानकारियां दी जाएंगी और उन्हीं के आधार पर अग्रिम कार्रवाई जो है की। नाम है आपका? हमारा नाम टीकम सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? क्या काम दलौता है। क्या मामला है जो हुआ है? ये महात्मा जो हमारा भाई है जो यहाँ महात्मा बेस में अपना भजन करते थे और इन लोगों ने कैसे भी इनके कोई संबंध जुड़े हो यहाँ पे ये रख रहे थे इनको। कौन लोग? जो ये आश्रम वाले हैं जी, और इन आश्रम पे ही इन लोगों ने कोई घटना ऐसी घटाई है, उनको अचानक से मृत्यु हुई है और हमारे पास सूचना पहुंची है और यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं है जो ये लोगों ने बताई गई है। तो क्या आप क्या मानते क्या असली घटना? इन्होंने हमको ये बताया था कि चाय पिए, चाय पी करके उनको कीड़ा खा गया उससे मृत्यु हुई है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, यहाँ सेल फार्स की बदबू आ रही है, जहर दिखाई दे रहा है, सब लोग यहाँ देख रहे हैं आंखों से, न कोई चाय पिया है न कुछ पिया है। इन लोगों ने कोई जहर दे करके उनकी मृत्यु की गई है। ये मैं वीडियो है गैस बनाया है, सब घटना घटाई हुई है इन लोगों की। हमारा भाई है माजा है, हमको क्या, क्या दिखाई दे रहा है इस वीडियो में? इस वीडियो में सर गैस चालू नहीं हुई है, ना ही गैस पर प्याली है ऊपर, ना ही वो सिलेंडर चालू है और ना ही अंदर कोई बर्तन है। अब सर गैस बंद किस गैस वजह चालू? आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मण है, मेरे ताऊ जी है ये। क्या नाम है इनका? गुलाब ताऊ जी है मेरे। इनका वास्तविक नाम वो जन्मभूमि के हिसाब से गुलाब सिंह है और यहाँ पे कहते हैं इनसे गोपाल दास। नहीं, आपको क्या लग रहा है? अभी आप मुंह में जाग भी निकला हुआ दिखाई दे रहा है। जहर की आशंका है सर, ये किसी ने घटना की है। मेरा नाम रतन सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम दलौता थाना शेरगढ़। अच्छा, आज ये आपके कौन लगते हैं? मेरा भाई है लोरो। आज इनकी मृत्यु हो गई, किस कारण से हुई है?
इस बात की तो भगवान जाने, हम पे तो सुबह फोन पहुंचाएगा आपके इस नंबर पे या आपके नंबर पे फोन आया कि इसके सांस चल रही है और परेशानी है, और थोड़ी देर बाद पता लगा कि वो खत्म हो गई। अच्छा, ये यहाँ पर किस रहते थे? ये महात्मा थे 4 साल से, और यहाँ हमारे गांव का महात्मा था, वो भी रहता था, उसके पास यहाँ के आए और सुबह हमें तो मृत्यु वहीं मिली। सूचना कैसे मिली आपको? फोन गया हमारे अच्छा, भाई के फोन पे हम पे फोन आया। अच्छा, क्या लगता है के फोन से फोन गया। क्या लगता है आपको? मेरा भाई लगता है। नहीं, अब आपको क्या लगता है कि मृत्यु जो हुई है, आप क्या मानते हैं इसको? इसको मैं अपना भाई मानता हूँ। नहीं, वजह क्या मानते हैं मृत्यु होने की वजह? आपने देखी बॉडी? अब इसमें हमारी कोई समझ में बात ना आ रही, समझ ना पा रहे कुछ भी। कोई किसी बताया गया था कि झाग दे रहे थे, एक महात्मा ये मर गए, एक महात्मा पेंठे गांव के थे वो मर गए, एक महात्मा हॉस्पिटल भर्ती है, इन तीन माताओं की यही परिस्थिति भाई है। तीनों के मुंह से झाग निकल रहे हैं। हाँ, तीनों के मुंह से झाग निकल रहे हैं। झाग प्लस टट्टी।